कितना टाइम लगा? एक घंटा। देखो ये एक घंटा है, मतलब 6 बजने को आगे मैं 7:15 का आके बैठा हूँ, डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटा गाइस, डेढ़ घंटा है गुजनगर पुल पे, क्योंकि मॉर्निंग की शिफ्ट है। तो आपको पता ही है कि जैसे कि जनाब आस्था, थैंक यू, वेलकम, हो गया काम है? ये रहा ऑफिस का एंट्रेंस, चलते हैं हाथी। और ये देखो तो, हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज के दिन की हमारी शुरुआत हो रही है रास्ते से, क्योंकि अभी घर से निकल गया हूँ और अभी पहुंच गया गुजनगर पुल पे। और आज ये कहते हैं कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं स्टार्ट कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं गुजनगर पुल पे, क्योंकि मॉर्निंग की शिफ्ट है। तो आपको पता ही है कि जैसे कि 7 बजे हमने पहुंचना ही है। और अभी हम, ठंड इतनी है भाई, ये देख लो हाथ इन्होंने ना मतलब जैकेट के अंदर ही डाल के रखे हैं, क्योंकि इतनी ठंड है। और ये मॉर्निंग टाइम है, ठंड तो होगी होगी। और सामने रहा माता रानी का दरबार, जय माता दी। तो दिन की करते हैं शुरुआत और मिलते हैं अभी ऑफिस में, क्योंकि सुबह सुबह बाहर अंधेरा ही है, बाहर तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, बाकी गाड़ी का स्टेयरिंग और यही दिख सकता है। तो पहुँचते हैं, तो फिर मिलते हैं, देखते हैं कल का तो अच्छा दिन क्या था, आज का कैसा जाता है, क्योंकि कल क्रिसमस था और सेलिब्रेशन किया। और ये रहा माता रानी का दरबार, जय माता दी। तो मिलते हैं आपको ऑफिस में एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं अपने फ्लोर पे, ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने टाइम पे 6:52 AM। हम तो 8 मिनट जल्दी ही पहुंच गए। और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया, बाकी स्टाफ तो गार्ड तो होते ही हैं। और बाकी ऑफिस में वही कल वाले बैलून सभी भी लगे पड़े हैं। और दिन की करते हैं शुरुआत, काम स्टार्ट करते हैं, अपनी चाय शाय पीते हैं, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आते नहीं, अभी टाइम मिला है। तो अभी 5 मिनट मिले तो कर लेते हैं, बाद में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। तो चलो खाते पीते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं दिन को, फिर जब लंच टाइम पे फ्री होंगे या कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ होगा तो तभी। तो चलो, तो गाइस अभी हुआ था फ्री, फ्री होने के बाद अभी सो रहा हुआ है, उसको चाहिए सामान के कपड़े लाए थे मैंने घर से, तो वो देने, देखता हूँ कितने तक आता है, उसका वेट करते हैं। यहाँ पे कह रहा 1 मिनट में आ रहा हूँ। जनाब आस्था, थैंक यू, वेलकम, हो गया काम ठीक है? इवेंट है पेंट इसकी जिप के अंदर। तो गाइस इसको दे दिया, अभी जा रहे हैं अंदर। और ये रहा ऑफिस का एंट्रेंस, चलते हैं हाथी। और ये देखो अभिषेक पाल, ये रहा। तो गाइस ऑफिस से ऑफ करके अभी निकल गया हूँ और अभी पहुंचा हूँ बख्शी नगर। और यहाँ पे कुछ काम था, जैसे कि कल मैंने कटिंग शेव अपनी करवाई थी, क्योंकि कल कविता वेट कर रही थी, क्योंकि कल जिस पार्लर में वो जाती है उस पार्लर में आंटी आई नहीं थी, तो आज वो आंटी आए हुए हैं, तो आज वो गई है पार्लर में, कहती मुझे काम है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि हेयर कट ये वो चाहिए होता है बंदे को। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट करता हूँ, आज मैं लगा लेटने, क्योंकि मेरे को नींद आई है तगड़ी। और अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, क्योंकि उनको 15-20 मिनट लगने हैं, तो तब तक मैं रेस्ट करवाता हूँ। फिर उसके बाद जब आएंगे तब दिखाते हैं कि कब आएंगे। और कल वाला व्लॉग आउट हो चुका है, उसको जाके आप चेक मारो, देखो कैसा लगा हमारा जो मुंह में हम सेलिब्रेशन। तो ऐसे बाहर का तो मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं, लेकिन कल चर्च जाना था, लेकिन चर्च भी नहीं जा पाए, क्योंकि चर्च में ना सीन ये था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से चर्च नहीं जा पाए। तो अभी का सीन ये है कि अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, आज बिल्कुल थोड़ा फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन कफ है थोड़ी थोड़ी, जाके आज स्टीम लूँगा तो, और कफ सिर्फ ले रहा हूँ साथ साथ। तो चलो अभी करता हूँ रेस्ट, जब वो आएंगे तब दिखाऊंगा आपको कि क्या करा के आए हैं वो, क्या नहीं। तो मिलते हैं तब। तो फाइनली गाइस इनका हुआ मेकअप, ये वो खत्म। कितनी देर के बाद हुआ, कितना टाइम लगा, मतलब अब बंदा कितना टाइम लगा? एक घंटा। देखो ये एक घंटा है, मतलब 6 बजने को आगे मैं 7:15 का आके बैठा हूँ, डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटा गाइस, डेढ़ घंटा। तो अभी मैं करता हूँ बैग गाड़ी और निकलते हैं, क्यों चलें अभी, प्रथम ही वेट कर रहा है।
तो लेट्स गो भाई वाह। तो चलो मिलते हैं अभी रूम में पहुंच के।